तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इसको देखोगे तो द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज दिया हुआ है। मतलब ये जो दो ब्लॉक हैं इनके बीच कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.363 है, ठीक ना। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ए सो दैट ब्लॉक टू डज नॉट स्लाइड। मतलब हम कितनी एक्सलेशन से, देखो ये सूडो पे बेस कॉन्सेप्ट है, और अगर मैं ए का ये इसको एक्सलेशन देता हूँ इधर को डायरेक्शन में, तो अगर ये एक्सलेशन कम है तो ये सूडो फोर्स फील करेगा पीछे की डायरेक्शन में। अगर इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, तो ये स्मॉल एम ए, आई होप कि आपको सूडो लगाने आता होगा, तो ये सारा चीज़ मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ये सारा चीज़ मैं इसी पे बैठ के देख रहा हूँ। इसी फ्रेम से एक ऑब्जर्वर बैठा है और वो स्माइल कर रहा है और यहाँ से वो बैठ के देख रहा, तो इस पे जो रेड वाला उस पे सूडो लगाएगा, मास ऑफ दिस स्मॉल ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, ठीक है ना। और यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक मिनिमम से कम रखोगे तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो मिनिमम कितना रखूँ कि ये रेस्ट में रहे, मैक्सिमम के लिए तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो इस वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो उस पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं। इसका बनाओ, रेड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इस पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं। तो रेड वाले पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, 2D व्यू यहाँ से देखोगे, तो कुल मिला के देखो, सबसे पहले इस पर नॉर्मल तो ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। सॉरी यार, नॉर्मल ऊपर कैसे लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल इधर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, सूडो इधर लग रहा है, MG नीचे लग रहा है, और फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। मतलब 2D व्यू प्लेन में देखोगे तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर लगेगा, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, और यहाँ पे MG वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, नॉर्मल इधर लगेगा, क्योंकि ये सूडो से दूसरे वाले ब्लॉक को दबा रहा होगा। ये जो यहाँ पर ब्लॉक था उसको यहाँ पे पुश कर रहा होगा सूडो से, तो बदले में नॉर्मल इधर लगा देगा बस। अब फ्रिक्शन ने MG को बैलेंस किया होगा रेस्ट में रहने के लिए, और नॉर्मल बैलेंस किया होगा MA को, दैट्स वाई द ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब इसी दोनों को सॉल्व कर लोगे तो अपनी कहानी ख़त्म। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल की यहाँ म्यू दिया हुआ, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उसको मैं म्यू एन लिख सकता हूँ, दैट इज़ द MG। तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी MG/μ, और इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो यहाँ से MG/μ और दैट इज़ द MA। तो M ने M को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी G/μ। तो एक्सप्रेशन की G की वैल्यू तुम यहाँ डालोगे 9.8, और इसकी वैल्यू डालोगे 0.363। तो सब डिवाइड करोगे तो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी 2.6.99 अप्रोक्सीमेटली, ये सॉल्व कर लेना, 27 m/s² आ जाएगा। अगर एक्सलेशन इससे ज़्यादा हुआ, एक्सलेशन इज ग्रेटर देन 27 m/s², तो वो रेस्ट में वहाँ पे बड़े आराम से रहेगा, और एक्सलेशन मिनिमम एक्सलेशन रेस्ट में रहने के लिए वो है 27 m/s², तभी भी रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर एक्सलेशन 27 m/s² से कम हुआ तो वो ब्लॉक नीचे फॉल कर जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, एक्सलेशन कम करोगे तो नीचे गिर जाएगा। थैंक यू। तो ये D ऑप्शन सही है।